कौन है सम्यक जिसकी चर्चा हर जुबान पर है? सम्यक ने ऐसा क्या किया जिस पर पूरे देश को आज नाज है? सम्यक की दास्तान क्यों पूरे देश को देखनी और सुननी चाहिए? क्या है इस युवक में ऐसा खास जो नजीर बन गया? समाज जिसे कहता है अंधा है, ये क्या आईएएस बनेगा? उसने सबकी बोलती बंद कर दी। शाहरुख खान का एक डायलॉग तो आपने भी सुना ही होगा, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। इसका एक जीता जागता उदाहरण एक दिव्यांग युवा, वो युवा जो देश के युवाओं के दिलों की धड़कन बनने जा रहा है। आखिर क्यों? तो इस तस्वीर को देखिए, ध्यान से देखिए, ये तस्वीर सम्यक जैन की है। सम्यक जिनकी आंखों को देखकर क्या आपको लगता है कि वो देख नहीं सकते? जी सही सुना आपने, वो देख नहीं सकते। मगर इस युवा ने आईएएस जैसी कठिन परीक्षा में 7वीं रैंक लाकर देश के हर युवा को सफलता का नया सूत्र देने का काम किया है। नीति को अपनी किस्मत नहीं माना, बल्कि अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया और देश के युवाओं के सामने ऐसी नजीर पेश कर दी कि हर कोई देख और सुनकर दंग हो रहा है। आमतौर पर अगर किसी को छोटी सी भी चोट लग जाए, लोग घर बैठ जाते हैं, मगर सम्यक का जिंदगी के प्रति दूसरा ही नजरिया था। एक बीमारी ने आंखों की रोशनी छीन ली, लेकिन कुछ अलग कर दिखाने की आग की रोशनी उनके मन मस्तिष्क में जल रही थी। वो शायद इस सामान्य आंखों की रोशनी से कई गुना प्रभावशाली थी। 30 मई को जब आईएएस का रिजल्ट आया तो 685 स्टूडेंट्स में से एक सम्यक भी थे जिन्होंने देश भर में 7वीं रैंक हासिल की। शायद देश के टॉप 10 में आने वाले दिव्यांग हैं जिन्होंने इतने शानदार अंदाज से ये परीक्षा पास की। आइए जान लेते हैं कौन है सम्यक जो देश की आंखों में सुनहरे तारे की तरह चमक रहे हैं। सम्यक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंग्लिश ऑनर्स में ग्रेजुएशन की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की और फिर इंटरनेशनल रिलेशन में देश के प्रतिष्ठित कॉलेज JNU में MA की डिग्री हासिल की। आपको बता दें, सम्यक जैन ने हिंदुस्तान अखबार में इंटरव्यू में कुछ बातें कही जिसे आपको ध्यान से सुनना चाहिए और समझना चाहिए। सम्यक का इंटरव्यू आपकी आंखों को गीला भी कर देगा, लेकिन हिम्मत और लगन की ये दास्तान आपकी जिंदगी में नया मुकाम ला सकती है। तो इसलिए सुनिए, सम्यक ने अपनी पूरी कहानी अपनी जुबानी जब सुनाई तो उन्होंने क्या कहा। मैं PWD कैटेगरी में आता हूँ, मैं आंखों से देख नहीं पाता हूँ। जहाँ तक मुझे परीक्षा में लिखने के लिए राइटर की मदद लेनी पड़ती थी, मैंने आज जो भी मुकाम हासिल किया है उसमें मेरे पेरेंट्स, खास तौर पर मेरी माँ ने बहुत साथ दिया। मेरे दोस्तों ने मुझे डिजिटल फॉर्मेट में किताबें अरेंज करके दी। ये मेरी अकेले की सफलता नहीं है। मार्च 2020 में लॉकडाउन के वक्त मैंने सोचा ये तैयारी के लिए अच्छा वक्त है, तो तैयारी शुरू कर दी। 7 से 8 घंटे मैं UPSC के लिए तैयारी करता था। JNU पहुंचा तो वहां UPSC के बारे में अच्छी तरह समझा। वैसे सम्यक जैन सिर्फ एक लौते IAS नहीं बने हैं जो दिव्यांग है, बल्कि बीते साल महाराष्ट्र की रहने वाली प्रांजल पाटिल ने IAS की परीक्षा पास की। तब उनके संघर्ष की कहानी भी दुनिया ने देखी और सुनी कि कैसे 6 साल की उम्र में आंखों की रोशनी किसी हादसे की वजह से प्रांजल की छिन गई, मगर उन्होंने हार नहीं मानी और बिना कोचिंग के ही परीक्षा पास करके दुनिया के सामने एक नजीर पेश कर दी। शानी देश के सामने ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने इतना सब कुछ होने के बावजूद भी शिक्षा का दामन नहीं छोड़ा। समाज ने जिसे अंधा बताया और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाला तक बोला, यहाँ तक कि ये भी बोला कि क्या IAS बनोगे। यानी तानों से सम्यक की उम्मीदों को समाज के एक हिस्से ने चोट पहुँचाने की पूरी कोशिश की, साथ ही उनके सपनों को आसमान की उड़ान न देकर जमीन की धूल भरी रेत में फेंकने की नाकाम कोशिश भी की होगी। लेकिन इस लड़के ने संघर्ष भरी आंधियों से लड़ते हुए ऐसा मुकाम हासिल कर दिया जिसे आज पूरा देश सलाम कर रहा है। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, इस कहावत को सम्यक ने चितार्थ कर दिया है। साथ ही हर उस इंसान के मुंह पर कड़ा तमाचा जड़ने का काम किया है जो किसी के सपनों का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि 7वीं रैंक वाले सम्यक ने बता दिया कि युद्ध में शरीर मर जाए तो दिमाग से लड़ना है और फिर दुनिया को जीत जाना है। तभी तो हम कह रहे हैं कि सपना आसमान छूने का हो तो हौसला भी उतना मजबूत होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।